कैसे हैं गाइस, उम्मीदें कर रहे होंगे। आपको वेलकम बैक करते हैं हमारे नदर ब्लॉग में। तो आज माशाल्लाह गंदम की कटाई स्टाई हो गई है। इधर लोकन कटाई स्टाई हो गई है। ये यानर भी हमारे साथ है इस दफ़ा। तो अब हम तैयारी करने लगे हैं। अब एक मिनट, अब हम तैयारी करने लगे हैं तिल लगाने की और सरसों की, और करते हैं स्टार्ट काम। आपको दिखाते हैं हमारा काम। अरे वही शहर में रह रखे फोल हो चुके हैं, और आप ये इब्राहिम चाचू और बिलाल भाई लगे हुए काम करने। और अब हम भी आपको अपनी थोड़ी सी दिखाते हैं। और ये अपना टूवल का सीन, चाचू ये लगे हुए सारे। ये माशाल्लाह सुहाया हो गया कंदम का। हाँ जी, टिकटॉक बना के दें। क्या हाल है चाचू? अगन और आम है। की करना है? ऐसे मार देने दमूसा। हाँ जी जाट साहब। हाँ जी, की गल है? वो परली मिट्टी का थोड़ी साल मूसा मान ले आया। तो मूसा कितने का ले? पीछे पे अदर फाड़ फिर बाहर आते हैं। आपसे बाहर हो जाओ जाता है। इब्राहिम अपना पति बनाए लाइन है जी। आए वाकई तो काला बीता तो चंगी तरह है। ए कर लिए पैप कर लो कर लो। ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰ ਨਾ ਬਾਦ ਰੋੜੀ ਘੁੱਟ ਲੈ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਵੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਨਾ ਨਗਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। मिट्टी पड़नी पौनी है। शायद मिट्टी पड़नी पौनी यार। मिट्टी पड़ लो, शायद मिट्टी पड़ लो। एक बार ना सारे वारी वारी कुट लो ना चंगी तरह बह जाए। मिट्टी मोड़ा मिट्टी त्याग उत्ते सर फिजान साहब है मारे। मजदूरी करते रहे थे पहले। ये कट्टी ना ये हमारे बिलाल साहब हैं। इन्होंने कई की बारी लगा ली अभी। पापा फैजी दे कद दे हिसाब ना सही है। ऐ ना ऐ सारे कुछ सही है ना दमूसा। चलें जी ये हमारे फिजान साहब हैं, ट्रोलिंग करते हुए आ रहे हैं। चल भी लिया एक बारी तू तू कुट मारा मार। चले आ जाए फिजान साहब राउंड टू। आपकी थूक गई है। ये सांस चढ़ गया भाई यार। हम मेरे भाई वो थले बिछावे फाड़े दे फिर चले। ऐ पट लीजिए ना जमीन मेरी गल सुनो। थले भी हो ना काबू रहे पारे पारे उसके साथ गया ना उसको मिट्टी पावा। मेरा दिन ऐसे पास ना रोड़ी पास ना उसे रोड़ी पा कुटो थले हो जाएगी मजबूत। अच्छा यार क्या खा गया रेत पा दो उसे पहुंचो मतलब फिर मिट्टी फटो ना फिर नहीं जाए। जमीन जब पानी छड़ना तो निकल जाना पानी जी। फिजान साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तुम्हारी जरूरत को सलाम। चलो
हमारे जट भाई आ चुके हैं मैदान में, कई चलाते हुए। यहाँ ये क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पे खाने के लिए काम आएगा? ये ढक के रखा ताकि बारिश में ना खराब ना हो। और ये खो बोर ये माशाल्लाह नया करवाया है, पानी में ना कम हो गया था पानी, बोर बैठ गया था इस वजह से नया करवाया। और ये माशाल्लाह हमारा कमरा, और ये हमारा सामान चेक करें। वो सामने देख रहे हैं गंदम, ये गंदम रात को निकाली थी, ठीक है आप उठाते हैं गंदम करके, आप लेके जा रहे हैं थोड़े में। ये वाली अभी और गंदम इधर से आएगी और वो लेके जाएंगे। और वो जो सामने गंदम खड़ी है ये कटनी है, ये अभी काट के तो फिर करला पलक रहे, फिर ये दोबारा लगाएंगे हार्वेस्ट और फिर ये इसको लेके जाएंगे। ये देख इधर ना लोग ना ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रेशर यूज़ करते हैं, हार्वेस्ट यूज़ करते हैं लेकिन लोग कम यूज़ करते हैं, उसकी वजह ब्लैक है। अगर लोग कहते हैं हार्वेस्ट यूज़ करेंगे ना तो इसका ये नुकसान है कि हार्वेस्ट मशीन दोबारा लगा के तूड़ी दोबारा निकालनी पड़ती है और सिट्टा ना ज़ाया होता है, दाना ज़ाया होता है, इस वजह से लोग प्रेशर निकालते हैं, तूड़ी भी साथ ही निकल जाती है और क्या उसका नाम है साथ ही गंदम निकाल के तो ले जाते हैं, ये फ़ायदा है। तो बाकी माशाल्लाह ये देखें, ये हमने हलचल खेत वा दी है तो हल जा आ दी यहाँ पर, ये हम इधर बीजेंगे तिल, तिल बीजने हैं और ये मकई बीजेंगे या फिर वो बीजेंगे अलग अलग करे आपका सरसों। चावल की काश हम नहीं करते इस वजह से कि हमने ना लाहौर में रहना होता है तो हर दूसरे दिन पानी लगता है चावल की गंदम को, इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना हम पहले बीजते थे चावल लेकिन अब कम किए, अब नहीं बीजते, अब हम ऐसे ऐसे सीज़न हो फिर मकई सरसों या तिल वगैरह बीज देते हैं। ये देखें अभी ऊपर वाला हमारा हिस्सा है जो वो कटिंग होने वाला रहता है, कटिंग होने के बाद इसके निकलने गंदम भी निकलना बाकी है, जैसे निकलेगी फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये ट्यूबवेल चल चुका है और इधर से हम आप इसे देखेंगे पानी कहीं से टूट तो नहीं रहा, ये पानी जाता हुआ खाल में, ये चेक करें फुल जिम्मेदार भरे हुए हैं, जिम्मेदार वाले भाई पूरे हालात हो गए। ये जो बन्ना नज़र आ रहा है ये बन्ना हमने खुद बांधा अभी, जिधर से पानी निकल के नीचे चल जाता था वहाँ पर वो वाले खेत में, ये अब बांध के इसको पहले अच्छी तरह मिट्टी डाली कूटा और फिर अब निकाल रहे हैं इधर से, साथ साथ देखेंगे कहीं तो कहीं से बन्ना तो नहीं टूट गया, पानी कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा, साथ साथ देखेंगे। काफ़ी देर पहले हमने ये काम किया है और आज फिर बड़े अरसे बाद ये काम कर रहे हैं, सांस चढ़ गया है, काम ना करने की वजह से सांस चढ़ चुका है हमें, तो कोई नहीं मजबूरी है करना तो पड़ेगा और किसने करना। ये देखें ये देखें ये अभी खालों की ना सफाई होने वाली है, ये करेंगे एक दो दिन तक, फिलहाल पानी जा रहा है आस्ता आस्ता, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। ये गंदम रह गई थोड़ी सी, बस दो तीन के किले रह गए करने वाले, बाकी तकरीबन सारी निकल चुकी है, ये बस रह गई, ये भी इंशाल्लाह ताला आज कल में कंप्लीट कर लेंगे। और आप ये हम ले बीजेंगे तिली, तिली के लिए पहले ज़मीन को पानी लगाएंगे ताकि ज़मीन नरम हो पत्थर आएगा, फिर उसके बाद हल चलाएँगे, हल चलाने के बाद फिर उस पर बीज डाल के इसको तैयार कर लेंगे। तो अभी है दो तीन दिन का प्रोसीजर करते हैं, साथ साथ एक गंदम की कटाई फटाई भी साथ साथ हो रही है, साथ साथ बाकी काम भी साथ साथ हो रहा है। दरअसल लाहौर से आना ना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पर आके सरवाइव करना, आप रहना, आप सारा निज़ाम चलाना, अब ज़मीन है अल्लाह ताला ने दी तो करना तो पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ना। ये देखें वो सारे चाचू वगैरह खड़े हुए हैं, डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है कैसे करना है,
पानी शानी का कैसे नज़र रखनी है, सारा निज़ाम साथ साथ ही है। ये टूवल ये आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमने वग बांधा था वो कहीं टूटा तो नहीं है दोबारा। ये देखें माशाल्लाह नया बोर कराने की वजह से पानी फुल आ रहा है। ये देखें ये काम पहले करना चाहिए था, खाले साफ करने वाला ये हमारी ना अहली है, ना अहली वजह से हम आप खुद हाथ से कर रहे हैं। मजबूरी ये है कि टूवल चलाया हुआ हमने, इस वजह से वो देख चाचू कर रहे हैं, देख रहे पानी कहाँ से जा रहा है, हाँ छोटा नहीं ये बंद पाना है। हाय ओए मुश्किल है काम, लेकिन करना तो है, मुश्किल हो या आसान हो करना जो काम वो करना ही है। यहाँ इतनी देर का टूवल चला रहा है पानी, अभी यहाँ आपको लिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये पानी ये आ रहा है, ये देखो हाँ, और वो टूवा लगा हुआ मेरा, और ये देखें हाथ में कांटा चुप चुका है। ठीक है तकरीबन निज़ाम, हाँ जी आप चलते हैं वापस टूवल की तरफ और जाकर टूवल पे बैठते हैं, थोड़ी देर बैठ के तो लेते हैं सारा, क्योंकि काम नहीं होता बंद से यार, क्योंकि वैसे भी थोड़े हेल्दी हो गए हैं और काफ़ी ऐसा हो गया काम। कही लिया कही लिया बुला रहा कही लिया कही पानी निकला है, पानी लीक हो रहा है, फड़ के ले आप मिनट मार, पानी हो गया लीक। अब कही मंगाई है, इधर पक्की फसल है सारी, ये ख़राब हो जाएगी, इससे पहले कही आती है इसको बांधते हैं, यही कच्चे ना नालों का यही मसला होता है, कहीं से भी लीक हो जाते हैं, इसलिए पानी जब लग रहा हो सर पे खड़े होकर निगरानी करनी पड़ती है ताकि कहीं से पानी लीक ना हो जाए, और लीक हो जाए फौरन बांधना पड़ता है। ये देखिए अब स्लो था, अब तेज़ होना शुरू हो गया, ये देखिए मुश्किल है काम, लेकिन कोई नहीं करने वाले करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम भी करेंगे जब तक हिम्मत है। वो चाचू आ रहे हैं आकर देखने के लिए क्या मसला हुआ है, और पानी की निगरानी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। ध्यान ना कंडे ना मरवा लेना पैर च, कंडे जे साइड ते। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे ना ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। क्या कर रहे हैं यार आप, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? तो आपको मज़ीद विलेज लाइफ दिखाएंगे, हमारी ज़मीन आकर दिखाएंगे, क्या काश्त करेंगे, कैसे काश्त करेंगे, सब आपको दिखाएंगे। तो चैनल पर स्टेट हो रहे और ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दें जल्दी जल्दी। हाँ इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम ग्रो होंगे, हमारी भी ऑडियंस होगी, हम भी ग्रो हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे बाकी दुनिया हो रही है ग्रो। बाकी दुआ तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला कामयाब करे, आप सब दोस्तों का तावन की ज़रूरत है, तावन ऐसे बनाए रखिए, शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।